वाला नाम लिखते हैं हम अपनी बाइक के ऐसे कुछ। अभी दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ पे रहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो ये सेटअप देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हैदराबाद में मोटो व्लॉगिंग। तो जस्ट आज मैंने ये हेलमेट लाया और साथ में ये गोप्रो फिक्स कर लिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक पे YouTube चैनल का और इंस्टा का नाम लिखने के लिए और लोगो लगाने के लिए। तो हेलमेट वाला सेटअप हो गया है कम्प्लीट। तो अभी लिखना है अपने बाइक पे नाम, एक लिखना है यहाँ पे नाम आगे से कश्मीरी तोयब, और साथ में इंस्टा और यूट्यूब का लोगो लगेगा। तो देखते दूसरी कोई जगह अगर हमें अच्छी लगी तो वहाँ पे भी लिखते। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं। बहुत टाइम के बाद पहला व्लॉग मेरा मोटो, पता नहीं आवाज़ आ रही है अच्छे से नहीं आ रही है, तो बताना कमेंट्स में आवाज़ कैसी है, तो उसी हिसाब से हम आगे सेटअप को मॉडिफाई करेंगे। मेन रोड के साथ ही हम रहते हैं, तो इस एरिया को टोली चौकी बोलते हैं, जो कि मेन हैदराबाद में है। सिटी से जस्ट 5 किलोमीटर दूर ये वाला लोकेशन पड़ता है, और हम भी चाहते हैं कि सिटी के सामने रहे, क्योंकि घूमने का अलग ही मज़ा होता है। कभी भी जा सकते हैं, तो जल्दी से वहाँ पे एरिया को एक्सप्लोर करके वापस आ सकते हैं। यहाँ से यू टर्न, क्योंकि वो वाला शॉप जो है वो यहाँ से आगे पड़ता है, जस्ट 2 किलोमीटर से, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे अभी इस वाले एरिया पे लिखेंगे हम नाम कश्मीरी तोयब्स, और यूट्यूब का और इंस्टा का लोगो लगाएंगे साथ में। फेसबुक तो ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, तो इन फ्यूचर वो भी हम अच्छे से स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ नीचे से जाते ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं टोली चौकी, और यहाँ का जो फूड रहता है ना, इस एरिया में जो फूड आपको खाने को मिलता है बहुत ही टेस्टी मिलता है हर एक होटल में रेस्टोरेंट में। और ये रहा पोडियम मॉल, तो लगभग जो भी कश्मीरी है इस पोडियम मॉल में शॉपिंग ज़रूर किए होंगे, अगर आप भी किए हो तो कमेंट्स में बता देना। इसी वजह से जाम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे ये कम्प्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही खुला रोड है, तो आराम से आप अपनी गाड़ी आगे पीछे ले सकते हो। ये आगे जो आपको शॉप दिखता है ना, यहीं पे अभी लिखेंगे हम अपने इसका नाम, ये जो है GMC साइंस, तो यहीं पे हम लिखेंगे नाम अभी इस वाले शॉप पे। तो अल्ता तो अभी ये वाला नाम लिखते हैं हम अपने बाइक के फ्रंट वाले ग्लास पे, विंडशील्ड पे। यहाँ से ये रहता है मेरे यूट्यूब का नाम, ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा जब वहाँ पर हम फिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद दिखाते आपको जब लास्ट में पूरा फिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको दिखा दे कैसे। तो इंस्टा का लोगो तो ये लगा हुआ है पहले से रेडी हमारे पास, तो वो रही बाइक हमारी। अभी फ़िलहाल इस बाइक को छोटा सा नाम लगवाना है बादशाह, तो मैंने सोचा इसी को लगा दो, उसके बाद हम लगाएंगे अपने इस बाइक पे, क्योंकि काम हमारा बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी काम तो हमारा हो चुका है। जैसे ये कम्प्लीट होता है तो उसके बाद खाना पीना करेंगे। अल्ताफ़ भाई आज खिलाने वाले हैं क्या, बिरयानी, ठीक है, खिलाओगे बिरयानी? वीडियो में बोल दिया ना, अगर नहीं खिलाई मैं सेम वीडियो फिर से अपलोड करूंगा, वो अलग क्लिप। ओके, नाम हमारा रेडी हो चुका है, तो जस्ट अभी उसको उठा के लगवाना है बाइक के ऊपर इंस्टा पे, क्योंकि इंस्टा पे 1.3 मिलियन होने वाले हैं, तो पहले ही हम इंस्टा का लगाते हैं। अब आया यूट्यूब का लोगो साथ में, अब आएगा इसके नीचे नाम। तो फिलहाल इंस्टा, यूट्यूब और नाम तो मैंने लिख दिया, अभी यहाँ पे वेरीफाइड टिक भी लगाने, मैं तो नहीं लगाने वाला था, भाई ने बोला लगा दो यहाँ पे वेरीफाइड टिक, क्योंकि इंस्टा पे आप वेरीफाइड टिक है आपको, तो अभी लगाते हैं यहाँ पे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा ये फिक्स हुआ है, अच्छा लग रहा है, ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कीमत नहीं है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ जब आप बताएंगे। तो बस एक बार बता दो कमेंट्स में कैसे लग रहा है। फिलहाल के लिए ये वाला काम तो हमारा इस वाली शॉप में कंप्लीट हो गया है, SGM। तो फ्रंट पे तो फिक्स कर लिया, अभी भाई बोल रहे बैक साइड पे यहाँ पे लगवा दो, तो अभी हम यहाँ पे भी नाम इंस्टा लोगो और फेसबुक लोगो साथ में यहाँ पे लिखेंगे नाम। ओके,
तो देख सकते हो। तो हमारा पेमेंट हो गया 1040 रुपीज। कॉमर्स में बताना प्राइस ज़्यादा है कि कम है, क्योंकि काम तो हमने इतना ही करवाया। आप देख सकते हो एक नाम लिखवाया और बैक साइड से नाम लिखवाया है। मुझे नहीं लगता इतना होना चाहिए 1014। ऐसी क्या होता है। तो नाइट वाला व्यू कुछ ऐसा आपको दिखेगा यहाँ हैदराबाद में। अभी आगे जाके आपको अच्छे से दिखेगा। और ये मेन रोड है, यहाँ से हाईटेक सिटी हम जाते हैं। जब ऑफिस जाना होता तो यहीं से जाते हैं। अभी यहाँ से बहुत जाम रहेगा। अरे भाई कितना ज़्यादा जाम है। बाइक है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आपके पास गाड़ी है तो फंस भी सकते हो। तो कहीं इमरजेंसी जाना होगा तो ऐसी जगहों पे फंसने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। मतलब निकल जाता है मगर बहुत टाइम लगता है। अभी बाइक है हमारे पास तो साइड से निकालने की कोशिश करेंगे। और रॉन्ग साइड से देख सकते हो कैसे चल रहे हैं। हैदराबाद में यही चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है ना, यहाँ पे कोई साइड नहीं देखता है। रॉन्ग है सही है जहाँ से मर्जी ये देखो निकल जाते हैं। अभी यहाँ से जो ऊपर वाला आपको रास्ता दिखता है ना, ये फ्लावर डायरेक्ट हाईटेक सिटी पहुँचाता है आपको। हमें जाना है नीचे से क्योंकि हम रोड के साथ में ही रहते हैं, मेन वाले रोड के साथ। अभी दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ पर रहता हूँ। तो यहाँ पे है हमारा जिम, ये है हमारा जिम, आपको दिख रहा है ये ऊपर हमारा जिम है। और इन शॉप्स में हम शॉपिंग करते रहते हैं। तो हम रहते हैं यहाँ से टोली चौकी में, जो आपको ये पेट्रोल पंप दिखेगा यहाँ से आपको आना पड़ेगा थोड़ा लेफ्ट, और अंदर जाते हुए ही आपको दिखेगा दुबई हाउस। दिख रहा है आपको वो दुबई हाउस, यहाँ पे रहते हैं हम। मोटो व्लॉग करते हुए मेरे लिए सिर्फ एक दिक्कत है, जो कि हेलमेट पहन के हमारे बाल खराब हैं। तो अगर इसका कोई सलूशन है आपके पास तो ज़रूर बताना। बाकी जिस बंदे के पास हमने टेपिंग करवाया और नाम लिखवाया तो उस बंदे ने भी थोड़ा चार्ज ज़्यादा किया, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए, 200-300 रुपये काफ़ी हो देखने के लिए। तो बाकी क्या कर सकते हैं, काम है उनका। तो अब आपको मिलेंगे हैदराबाद के मोटो व्लॉग्स। तो पूरी सिटी को और हैदराबाद के आजू बाजू के 200-300 किलोमीटर के अंदर जो अच्छे अच्छे प्लेसेस आएंगे उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बरसाते रहो। तो आपके साथ मुलाकात होती है अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।